वेलकम अगेन दोस्तों, फिर से एक बार आपका दूसरा पार्ट में लेकर फिर से उपस्थित हूँ यहाँ पर हेरिटेज ऑफ इंडिया का। दोस्तों मैंने पहले भी इसके बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। क्या इन्फॉर्मेशन थी कि हेरिटेज क्या होते हैं? हेरिटेज को मैंने पहले भी बताया था कि ये एक तरीके से हमारे धरोहर है जो कुछ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दी जाती है। कुछ ऐसी धरोहर है जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती है और कुछ ऐसी धरोहर है जो हमें प्रकृति के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, जिन्हें कभी कभी हम बर्थ राइट भी बोल देते हैं। अधिकार भी बोल देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम इनके बारे में जानकारी ले चुके थे, आज हम कोशिश करते हैं कि इसका सेकंड फेज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो नॉर्मल चैप्टर जो है आपका जीएसईबी से संबंधित है, जीएसईबी से संबंधित है, जीएसईबी से संबंधित होने की वजह से मैं आपको जो सेकेंड फेज है इसका गुजरात से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्योंकि अभी तक जो हमारा चैप्टर था वो कहीं ना कहीं हेरिटेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, अब सेकंड फेज जो आपका कहीं ना कहीं गुजरात से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो था कि नेचुरल हेरिटेज एंड द कल्चरल हेरिटेज। तो दोस्तों नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज इसके बारे में हमने पहले जानकारी ली थी। नेचुरल मतलब नेचर से प्राप्त, बाई गॉड गिफ्टेड या हम कह सकते हैं तरीके से समथिंग गिफ्ट फ्रॉम पास्ट, सॉरी पास्ट, ऐसा कुछ जो हमें पास्ट से मिला हुआ हो, पहले से मिला हो। दूसरा कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत समथिंग गिफ्ट फ्रॉम अवर पेरेंट्स या फिर हम गार्जियंस कह सकते हैं, कह सकते हो फोर फादर, ऐसे जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, हमें अपने गार्जियन से मिला है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें देखा जाए तो हमारी किस्में आ जाती है, आपकी हेरिटेज के अंतर्गत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम गुजरात से संबंधित इसका एक तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं या इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें नजर आती है। जैसा कि हम जानते हैं गुजरात क्या है, एक तरीके से आप हमारा हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, एक राज्य है, एक स्टेट है। तो स्टेट होने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी अपनी कुछ विशेषता है और इन विशेषताओं को कहीं ना कहीं हम इसकी एक तरीके से हेरिटेज के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके हेरिटेज क्या है इसके बारे में एक बार ध्यान देते हैं, क्या है हेरिटेज इसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, बिना किसी हेरिटेज के, बिना किसी नेचुरल हेरिटेज के या बिना किसी कल्चरल हेरिटेज के अपने आप को संपन्न नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी स्टेट की नींव या किसी भी राज्य की नींव कहीं ना कहीं उसके नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर ही टिकी होती है। ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं इस जो मिलती है गुजरात की वो एंशियंट टाइम से मिलती है, एंशियंट टाइम से बहुत पुराने समय से इसकी जानकारी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं जितना पुराना हमारी इंडियन कल्चर है उतना ही पुराना कहीं ना कहीं हमारा गुजरात कल्चर है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम इसकी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज की बात करें, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल प्लस कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो कई चीजें आती हैं। इसको हम फिर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले आपका आर्ट एंड कल्चर, सेकेंड यदि हम देखें तो ये आपका आता है कस्टम एंड ट्रेडिशन, दोस्तों पहला आपका आर्ट एंड कल्चर, दूसरा आपका कस्टम एंड ट्रेडिशन, थर्ड आपका फेयर्स, रिलीजियस।
आपका एक तरीके से आर्किटेक्चर, जैसे कि आपका आर्किटेक्चर स्कल्पचर बिलीफ एंड वैल्यूज के साथ साथ और भी कई देख सकते हैं एक तरीके से आपका इंस्क्रिप्शन से संबंध देख सकते हैं या और भी एक तरीके से कई साइड से जो हमें पुराने तौर से देखने को मिलती है कई चीजें जानकारी हमें बहुत ही एक तरीके से एंशियंट टाइम से जानने को मिलती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं किसी भी सोसाइटी को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं, किसी भी एक तरीके से कल्चर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कहीं भी कहीं ना कहीं यदि ये प्रैक्टिस में है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है या हम कह सकते हैं वो एक सोसाइटी के अंतर्गत है। ये हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि किसी देश की जो संपदा है, ग्लोरी है, वो कहीं ना कहीं उसके कुछ अपने कल्चरल हेरिटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी कल्चरल सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कल्चरल के साथ साथ नेचुरल सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। दोस्तों ये तो एक तरीके से हमारा क्या है, कल्चरल व्यू है। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का कल्चर व्यू है कि मतलब सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का कल्चरल व्यू अगर पॉइंट आउट करें तो हमने 5-7 तरीके से पॉइंट आउट किया है। दूसरा अगर व्यू देखें तो इसका कुछ एक नेचुरल व्यू भी है। नेचुरल व्यू कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यदि हम गुजरात के अंतर्गत हैं तो आपको बहुत सी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे जैसे कच्छ के बारे में यदि हम देखें तो ये क्या है, व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका अपना एक नेचुरल व्यू है, नेचुरल व्यू है, यहाँ पे लैंडस्केप्स हैं। दूसरा मेंडर्स, मेंडर्स के साथ साथ वाटरफॉल, वाटरफॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल के साथ साथ कई नेचुरल पिरामिड्स, साथ में आपका वाइल्ड लाइफ, दोस्तों ये क्या है आपका एक तरीके से गुजरात का नेचुरल व्यू। अगर आप नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो ये आपका गुजरात का नेचुरल हेरिटेज है। कच्छ जो एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात का व्हाइट मरुस्थल, मतलब देखा जाए तो सफेद डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये बड़े पैमाने पर यहाँ पे फैला हुआ है। दूसरे तरीके से आपका मेंडर्स या समुद्री समुद्र पास में होने की वजह से कई जगह मेंडर्स जैसी आकृतियां बन जाती हैं, वो भी एक तरीके से प्राकृतिक दृश्य अवेलेबल कराती है जो आप देख सकते हो। तीसरा आपका वाटरफॉल्स भी यहाँ उपलब्ध है कई, और जैसे कि पाटन में आप जाओगे तो वहां पर भी एक बार एक तरीके से उपलब्ध है वाटरफॉल। दूसरा एक तरीके से हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग यहाँ पे उपलब्ध है। कई ऐसी एक्स्ट्रा आकृतियां हैं जो नेचुरल है जिनको बनाने में इंसान का कोई सहयोग नहीं है लेकिन यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ के रूप में जब देखो तो यहाँ पर बहुत विविधताएं हैं। विविधताएं रूप में आप गिर नेशनल पार्क जा सकते हो, यहाँ पर आप गिर नेशनल पार्क के अंतर्गत एशियन लाइन देख सकते हो जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि हम नेचुरल के बाद कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आर्ट एंड कल्चर, मतलब गुजरात आपका जो है पूरा कल्चरल रूप से और आर्ट के रूप में काफी फेमस है। यहाँ पर एक तरीके से किले के साथ साथ ज्वेलरी वर्क के साथ साथ मेटल वर्क, मेटल वर्क के साथ साथ और भी एक तरीके से कई वर्क है जो बहुत ही फेमस है।
गुजरात के ये काफी फेमस वर्क माने जाते हैं। यहाँ पर ऑर्नामेंट मतलब आभूषण भी कई तरीके के बनाए जाते हैं जो कि बहुत फेमस है। दूसरा कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एक तरीके से बहुत ही फेमस है यहाँ पर म्यूजिक और डांस। दोस्तों यहाँ का म्यूजिक और डांस बहुत ही फेमस है। म्यूजिक को एक तरीके से देखा जाए तो कई तरीके से ढोल वगैरह के सहयोग से बजाया जाता है यहाँ के म्यूजिक को। और दूसरा जब हम डांस की बात करें तो डांस भी यहाँ पर कई तरह के फेमस हैं, जैसे कि डांडिया है आपका, गरबा है, गरबी है, ये आपके बहुत ही फेमस डांस हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले गरबा, दूसरा डांडिया, तीसरा गरबी। गरबा जो कि एक तरीके से गोंगों की स्टिक्स के साथ खेला जाता है, सॉरी गरबा जो कि एक तरीके से महिलाओं का वुमेन्स का ज्यादातर का ये जो है डांस माना जाता है। इसमें एक सर्किल में लोग खड़े होकर, गर्ल्स जो खड़े होकर इसको खेलती हैं। दूसरा डांडिया जो कि गोंगों के सहयोग से खेला जाता है, इसमें मतलब बांस के कुछ एक तरीके से कैसे स्टिक्स होती है उनके माध्यम से इसको खेला जाता है। एक तरीके से गर्मी जो एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसके द्वारा खेला जाना जो है शो किया जाने वाला डांस है। तीसरा इस तरीके से और भी यहाँ पे कई चीजें हैं, जैसे कि कल्चरल के साथ साथ कि जब भी महिलाओं का यहाँ परिधान जो है तरीके से उस पर कई तरीके से अलंकृत किया जाता है, उसको कई तरीके से सजाया जाता है। जैसे कि यहाँ की जो साड़ी है पटोला साड़ी तो बहुत ही फेमस है। कौन सी? पटोला साड़ी जो कि किंग ऑफ सिल्क भी बोली जाती है। इसको पटोला साड़ी को किंग ऑफ सिल्क भी बोलते हैं, जो कि गुजरात में काफी फेमस है। ये यहाँ का रहा आर्ट एंड कल्चर। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ की जो बहुत सी ऐसी रूढ़ियां हैं, प्रवृत्तियां हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक तरीके से जो लोग हैं, एक तरीके से सब चीज आनंद जो कि पूरे इंडिया के लिए काफी फेमस ये वाक्य माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही लिबरल होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं और खुद में आनंदित रहने वाले लोग होते हैं। नॉन वायलेंस को ये जो एक तरीके से मानने वाले लोग होते हैं, एक तरीके से इसको नॉन वायलेंस सत्यचित आनंद मतलब शांति को धारण करने वाले, चित्त मतलब बहुत ही एक तरीके से शांत स्वभावी वाले और एक तरीके से आनंद जो अपने आप में कॉन्शियसनेस मतलब एक तरीके से रखने वाले, ध्यान मुद्रा में रहने वाले। यहाँ के लोग पूरी तरीके से नॉन वायलेंस को आधार मानकर चलते हैं और आत्मा परमात्मा पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। तीसरा एक तरीके से यहाँ पे मानते हैं कि फेयर्स एंड फेस्टिवल के रूप में, फेयर्स और फेस्टिवल की हम आपकी स्थिति उपस्थिति देखें तो यहाँ पे कई तरीके से फेयर्स हैं, जैसे कि आपका जूनागढ़ फेयर है, जूनागढ़ के साथ साथ महादेव फेयर है, ये आपके यहाँ के फेयर है। और फेस्टिवल के रूप में यहाँ कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली है, ईद है और पारसी समुदाय के भी कई फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं, साथ में जैन और बुद्धिस्ट के भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज और रिलीजियस के रूप में देखा तो यहाँ पे कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। कई तरीके की भाषाएं हम इसलिए भी यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि गुजरात जो एक तरीके से कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम से भी इंडियन लिटरेचर को फॉलो करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ गुजराती के साथ साथ जो कि यहाँ की मदर टंग है के साथ साथ यहाँ पर संस्कृत का भी काफी अच्छा बोलबाला है। तीसरा यहाँ पे मराठी भी काफी बड़ी मात्रा में बोली जाती है और रिलीजियसली हर तरह के आपको रिलीजियस को फॉलो करने वाले यहाँ पे लोग मिलेंगे, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैनिस और पारसी। यदि हम पारसियों की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही इनकी जो है जो भी बच्चों की संख्या वो पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका एक तरीके से आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर के साथ साथ अरेबियन आर्किटेक्चर की स्टाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्कल्पचर के रूप में भी बहुत अच्छा सिर्फ देखने को मिलेगा, जैसे कि पाटन की बात अगर आप जाओगे तो पाटन में उपस्थित जो बाग है उसमें 1000 के आसपास जो स्कल्पचर है वो जो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसका बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। और साथ में आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्थापत्य कला बहुत ही उन्नत किस्म की पाई गई है, ये हम आपको धोलावीरा वगैरह देखने के बाद आपको ये पता चलेगी। और भी यहाँ पे ऐसी स्थिति है जो एग्जीबिशन करने के बाद हमें पता चलती है, सन टेम्पल
से भी हमें इसके बारे में पता चलती है, और साथ में एक तरीके से सोमनाथ के टेम्पल से भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ का आर्किटेक्चर कितना ही फेमस रहा है। जो कि हम सोमनाथ के बारे में जानते हैं, बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ में भव्य मंदिर के रूप में विराजमान है। नेक्स्ट आपका एक तरीके से देखा जाए तो बिलीफ्स एंड वैल्यूज हैं। बिलीफ्स एंड वैल्यूज की बात करें तो विश्वास और मूल्य की बात करें तो यहाँ के लोग ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। ईश्वर के विश्वास करने के साथ साथ यहाँ पे ये लोग प्रे करने में काफी अपने आप को आगे रखते हैं, ईश्वर को ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं। इनके उच्च मूल्य वाले लोग हैं। उच्च मूल्यों का मतलब यहाँ पर हिंदू संस्कृति अधिक मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर वैदिककालीन संस्कृति को मानने वाले हिंदू अधिक मात्रा में माने जाते हैं या कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है गंगा के हमें ओवरऑल देखने को मिलता है यहाँ की स्थिति के बारे में कि ये जो स्टेट है पूरी तरीके से नेचुरल कल्चरल हेरिटेज के मामले में फुल कैपेबल है और अपने आप को स्ट्रांग किए हुए हैं पूरे भारत की स्थिति के अनुसार। तो अब ये सब देखने के बाद हमारा ये आ जाता है कि हाउ टू कंजर्व इट, मतलब किस तरीके से इसको आप प्रिजर्व एंड कंजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व एंड कंजर्व, इसको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए हम कई रास्ते अपना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मोरल ड्यूटी बनती है हमारी कौन सी भी कंजर्व करें अपनी कल्चरल हेरिटेज को, क्या करें हम सबसे पहले तो ये मोरल ड्यूटीज बनती है इसको हम क्या करें हेरिटेज को प्रिजर्व करें और कंजर्व करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन को लेआउट किया जाए क्या किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा बड़े पैमाने पर जो एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशन को लेआउट किया जाए। थर्ड इसका तरीका हो सकता है कल्चरल हेरिटेज से संबंधित कुछ चैप्टर्स को सिलेबस के साथ इन्वॉल्व किया जाए। चौथा तरीका यह हो सकता है कि टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में स्थानों को एक तरीके से जो नेचुरली या फिर एक तरीके से कल्चरली काफी फेमस माने जाते हैं या काफी इंपोर्टेंस रखते हैं वहां एक तरीके से टूरिज्म को इंप्रूव किया जाए। तो ये कई तरीके हैं जिसके अनुसार आप इसको क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। अब ये उठता है कि सिलेबस के अंतर्गत ये भी एक प्रश्न उठता है कि किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं और कैसे बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत की डिस्क्राइब द हेरिटेज ऑफ डिस्क्राइब द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है जिसके अंतर्गत आप काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है कि डेफिनेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज 1 मार्क्स का ये आपका डेफिनेशन बनता है। फिर आपका एक तरीके से और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका संबंधित है गुजरात से संबंधित हो सकता है जैसे कि डिस्क्राइब द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो इस स्थिति में कई तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने बन सकते हैं। तो ना दोस्तों हमने ये जो चैप्टर है इसको समझा, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर फिर आपका लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।